जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी हम लोग फिर से दामोडी आए हैं। यहाँ पे एक एल्युमिनियम फैक्ट्री था जिसमें मतलब कितना देर हुआ है घटना, कितना देर पहले? 1240 में मतलब आवाज आया। 1240 में ऐसा लगा कि एल्युमिनियम फैक्ट्री है, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में इतना आवाज था कि आसपास जितने गांव थे वहाँ तक आवाज पहुँच रहा है सब मतलब। और आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री पूरा बंद था, पीछे का जो दरवाजा है वो पूरा टूट गया है। मतलब कितना खतरनाक दीवार था, दरवाजा नहीं था, दीवार है, दीवार जो है टूट गया है, दरवाजा धरक गया। और आसपास जो गांव के लोग हैं मतलब रोड के उस पार भी कम से कम 100 मीटर दूर वहां के शीशे जो है वो टूट गए हैं। तो देखिए कितनी दर्दनाक यहां पे घटना हुई है, ब्लास्ट हुई, इसमें दो लोगों की मौत भी हुई है। यहाँ पे कोई था आसपास का कोई लोग सुना था, देखा था? हाँ बताइए क्या बोलने में सर। 12:40 पर ऐसा आवाज आया कि मतलब आदमी का धड़कन एकदम बंद हो गया, इस तरह एकदम मतलब देख रहे इधर पूरा मुड़ फाड़ के एकदम पूरा एकदम लहर इस टाइप का कि कहना नहीं, घुमा दे रहा पूरा आए। फिर मतलब देखे इधर उधर पूरा सब, फिर आप पब्लिक का सब फिर इकट्ठा हुआ। फायर ब्रिगेड की भी टीम आई? नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आई, फिर खाली प्रशासन आए बॉडी उठा के फिर ले गए। अच्छा, सदर ले गए? हाँ, सदर ले, पोस्टमार्टम के लिए। हाँ नहीं, बिहार के थे, बिहार के थे, बिहार के बाहर से लोग। हाँ, बिहार से बाहर से काम कर। किनकी फैक्ट्री है? ये अवैध बाबू का है। अच्छा, वो कब से फैक्ट्री चल रहा है? ये 20 साल से हो चल रहा है। 20 साल से यहाँ? हाँ। पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई? पहले ऐसी घटना नहीं हुआ, पहली ऐसी घटना, पहले ऐसी घटना हुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं जो नुकसान हुआ है इस ब्लास्ट से। ये आप देख सकते हैं, ये फनल है, ब्लास्ट फनल है। और अभी भी जो दीवार है आसपास का जो दीवार है वो मतलब टूटा हुआ है। यहाँ पे गर्म है, काम अभी भी लगा हुआ था, लेकिन ब्लास्ट बहुत खतरनाक हुआ जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा फैक्ट्री जो है नुकसान। आइए बाहर से आपको दिखाते हैं जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कितना ज़्यादा है। अभी भी यहाँ रहना मतलब सरकार से यह आवेदन है कि मतलब यहाँ ये बंद करा जाए। अच्छा, ये ऑफिस का शीशा टूट गया है तो ऑफिस का। देखिए यहाँ पे जो ऑफिस का शीशा था ये भी पूरा टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था इस, इतना खतरनाक जो ब्लास्ट हुआ जिसके वजह से पूरा शीशा जो है यहाँ पे टूट गया है। हाँ ठीक है, वो सब ज़रूरत नहीं है। उधर ओनर है? हाँ, उधर मालिक भी है, ओनर भी है। अच्छा, कुछ पता चल पाया कारण? पता चल पाया? देखिए हम बताते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिख रहा आपको, यहाँ पर हम लोग खड़े थे, ठीक है, हम खड़े थे, मेरा और सब आदमी खड़ा था, ठीक। ये मैं फैक्ट्री 3 दिन से ही बंद है क्योंकि मेरा इंजन ऑफ था, इंजन में काम नहीं कर, 3 दिन से मेरा फैक्ट्री बंद है। तो फिर हुआ क्या ना, हम लोग यहाँ पर खड़े थे, कल ही बगल में आटा चक्की है ना, वहाँ पर ट्रांसफार्मर में कल बिजली गिरा था, ट्रांसफार्मर में जल गया था। अच्छा, उसका हम लोग उसका वो लोग कंप्लेन भी किया था। हाँ। और फिर हम लोग और फिर जैसे हम लोग यहाँ खड़े थे तो बिजली एक बार बहुत कर से बिजली वाच किया। हाँ। तो हम लोग सोचे कि बारिश का मौसम है, बिजली तो वाच करेगा, नॉर्मल है, बिजली वाच करेगा नॉर्मल है। फिर एकदम कसकर इतना जोर से रोशनी हुआ ना, एकदम इधर इस तरफ से ऐसे आया, पूरा एकदम ब्लास्ट किया। अच्छा। और पूरा मेरा जितना कॉर्केट उर्केट सब उड़ गया। अच्छा। और जाके आप वहाँ देख सकते हैं स्पॉट में कि जमीन में इतना बड़ा छेद है पूरा सा, मतलब बिजली गिरने से, बिजली वज्रपात से हुआ है। अच्छा। और देखिए वज्रपात होता है तो सब जहाँ जहाँ पंखा आता है उस पर पंखा मुड़ जाता है, पहला बात। अब मैं स्टाफ क्वार्टर जाके देखिए, हमारा तुम्हारा कहना
आप लोग इंक्वायरी का की है ना, जो बोल रहे हैं प्रशासन फिर देखेगा। हाँ देखिए जो बिजली गिरा ना, बिजली गिरता है तो सारा पंखा का डायना मुड़ जाता है, और जाकर रूम में यहाँ देख सकते हैं जिस तरफ है सारा पंखा का डायना मुड़ चुका है। अब क्या बोलते हैं, अब बिजली इतना जोर से गिरा कि पूरा मैं दीवार फाड़ दिया है। बिजली गिरता है सीधे ऊपर से फाड़ के गिरता है, अचानक से नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा तो पूरा जमीन छेद कर देगा। अब जाकर इस पॉइंट देख सकते हैं वो जमीन छेद में ही है। तो कोई आदमी का नुकसान भी हुआ है इसमें? हाँ दो आदमी का नुकसान हुआ है। मैं यहाँ जाके अल्मोनियम का पुराना अल्मोनियम को गला के ना नया अल्मोनियम बनता है, ठीक है। जैसे पुराना अल्मोनियम हो गया, घर में जो डेक्ची उक्ची होता है ना अल्मोनियम का, वो सब गल के ना नया बर्तन बनता है। वही सब गला रहा था वो लोग, अब वज्रपात हुआ तो लोग भागने का मौका नहीं मिला, तो वो वहीं पर उनका देहांत हो गया। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम आदर्श गुप्ता हुआ। तो देखिए आदर्श जी का कहना है कि जो वज्रपात होने से जो है यहाँ पे वो घटना हुई है, और जो आसपास के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आवाज़ इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा है ब्लास्ट हुआ है। तो हो सकता है कुछ भी घटना, मतलब हो सकती है, और घटना देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाई टेंशन वायर भी यहाँ पे गुजरा हुआ था, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। और इतना पावरफुल था ये जो भी है स्ट्राइक है या बिजली गिरा है या फिर जो ब्लास्ट हुआ है, इतना पावरफुल था कि जो पूरा का पूरा एल्युमिनियम फैक्ट्री जो है वो पूरा उखड़ गया है। आपको दिखाते हैं बाहर से जो बिल्डिंग था उस पर जो दाग लग गया है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये जो एरिया है, हम लोग फैक्ट्री के अंदर अभी थे, जो बात कर रहे थे जो आदमी था वहाँ पे मौजूद उससे बात किया, और अभी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे देखने के लिए आ गए हैं। और बाहर से आप देखेंगे यहाँ पे जो दीवार है वो दीवार उस पर अभी भी दरारें हैं, आप देख सकते हैं। इस एरिया में लोगों को आने के लिए मना किया गया है क्योंकि अभी भी वो जो है दीवार अभी भी गिर सकता है क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया है, और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इधर का जो दीवार है वो भी टूट गया है। दीवार छत तो आप हम लोगों ने दिखाया किस तरह से जो छत टूट गया था, अब जो है यहाँ का दीवार भी जो है पूरी तरह से कबड़ गया है। ये देखिए यही एरिया है, और जो पूरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ है वो इस तरह का नुकसान हुआ है। वज्रपात नहीं हुआ है सर, बारूद बुरूद होगा बर्तन उर्तन में वो तो जांच होगा ना, आप कैसे बोल देंगे? आप देखे थे यहाँ थे आप? हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। तो हम लोग आए थे आज सिरसी के डामोडी में, और आसपास के लोगों को एक बहुत ज़्यादा आवाज़ आया, लग रहा था कि ब्लास्टिंग हुआ है एल्युमिनियम फैक्ट्री में, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा फैक्ट्री जो है यहाँ पे निस्तनाबूत हो गया। और उसके बाद जो मालिक से बात किया उन्होंने कहा कि यहाँ पे वज्रपात हुई है, तो दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। अब जो भी है पुलिस यहाँ पे आई है, पुलिस की टीम आई है, जो डेड बॉडी है उसको भी पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया। इसके बाद जो आगे जानकारी मिलेगी इंक्वायरी के बाद वो हम लोग आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर चौहारदारी बात।